गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास से फिर से हाजिर हैं। आज हम टॉपिक करेंगे सिंगल रिपलेट सिंगल कवर बट ज्वाइंट। पहले समझे बट ज्वाइंट होता है, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि बट ज्वाइंट में दो या तीन तरह की जो फिगर बनेंगी वो कैसे से क्या बनेंगे। तो बट ज्वाइंट क्या होता है वो समझो। बट ज्वाइंट हमने बताया था कि लैप ज्वाइंट जो था, लैप ज्वाइंट क्या था कि एक प्लेट आपकी ऐसे रखी हुई है और इसी के ऊपर आपने दूसरी प्लेट स्टर्च कर दी, तो ये आपको लैप ज्वाइंट होगा। यानी कि एक प्लेट ये इसके ऊपर ये, यानी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर ओवरलैप कर रही है, ठीक है ना। और ओवरलैप कितना करेंगे, जितना मैंने आपको बताया था 1.5 डी इधर से 1.5 डी इधर से, यानी कि सेंटर से ओवरऑल डिस्टेंस 3D। तो यानी 3D डिस्टेंस पर वो आपका ओवरलैप करेंगे। इसी तरह अब आपको मैं बात करता हूँ बट ज्वाइंट की। तो बट ज्वाइंट क्या होता है, बट ज्वाइंट आपको होता है कि एक प्लेट में ये है एक प्लेट में ये है, कि दोनों के एंड से एंड को मिला दिया। जब दोनों के एंड से एंड मिलाते हैं इसको ज्वाइंट करना पड़ेगा। और क्योंकि हमें अगर बेल्टिंग करते तो डायरेक्ट बेल्टिंग लगा दी हमें, लेकिन हमें बेल्टिंग नहीं करनी, हमें यहाँ पर लगाना है रिवेट। तो रिवेट लगाने के लिए हम ऐसे तो रिवेट नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे इसमें एक कवर प्लेट का यूज करते हैं। सर यूज करते हैं कवर प्लेट का। और वो कवर प्लेट क्या होती है, इसके ऊपर से कवर प्लेट लगा दी जाती है लाइक दिस। मान लीजिए ये मेरी कवर प्लेट है और मेरी दो प्लेट है, तो मैंने इसको इस तरह से लगा दिया दोनों प्लेट मेरी, और यहाँ पे मैंने रिवेट लगा दी, तो ये मेरा अटैच हो जाएगा और जो ये मेरा जुड़ जाएगा, जिसके से क्या होगा कि मेरी ये ज्वाइंट बन जाएगा। अब ये लगाएंगे कैसे, अब वो मैंने फिगर दिखा दिया है कि आपकी एक प्लेट मेरी ये है और एक प्लेट मेरी ये है, जिसपे मेरी कवर प्लेट लगाई है। यानी कि इसको देखें तो यहाँ से एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, जिसपे ऊपर एक कवर प्लेट लगा, ठीक है। अब इसकी कवर प्लेट की डायमेंशन, रिवेट की डायमेंशन में आपको रिमाइंड करा देता हूँ। इनकी डायमेंशन क्या थी, हमारा डी वही रहेगा, डी हमारा था 6√T। टी क्या है, टी स्प्लेट की थिकनेस, इसकी थिकनेस, ठीक है टी। इसके अलावा उसमें टी वन और ले लेते हैं, कैपिटल टी ले लेते हैं, कैपिटल टी मान लीजिए या टी वन मान लीजिए, कोई भी चीज मान लीजिए। टी क्या होता है, टी इसकी डिस्टेंस, इसकी कवर प्लेट की डिस्टेंस, कवर प्लेट की डिस्टेंस क्या बोले टी कैपिटल डी। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा हमारा 1.25, ये आपका होगा 1.125 टी, ये होगा, ठीक है जी। यानी कि जो कवर प्लेट होगी वो जो ओरिजिनल प्लेट है उससे मोटी होगी, उससे मोटी होगी, ठीक है जी। अब इसे पढ़ाएंगे कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सेंटर लाइन ली, ठीक है। इस सेंटर लाइन को लेने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, इन सेंटर लाइन की डिस्टेंस क्या होगी बीच की, इन सेंटर लाइन की डिस्टेंस होगी 3D। कितनी होगी 3D, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 3D। तो इन दोनों की 3D डिस्टेंस को हमने क्या किया, एक सर्किल एक सेंटर लाइन हमने यहां से ये ली, एक सेंटर लाइन हमने ये ली और एक हमने ये ली, ठीक है जी। इस सेंटर लाइन से सोलह ले लिया तो मेरा डी हो जाएगा मेरा 24 mm, ठीक है जी। डी मेरा हो जाएगा 24 mm। अब मेरा टी 16 है, मेरा डी होगा 24। तो यहाँ पे स्नैप हेड की अगर मैं बात करूँ तो स्नैप हेड में मेरा ये हो जाएगा कितना, 1.5D या 1.6D। तो 1.5D में आपको अगर उसकी वैल्यू निकालो तो लगभग लगभग आपको ये मिलेगी 30। तो 30 का आता है कि 15, तो 15 की रेडियस लेके ये बना दिया, 15 की रेडियस लेके ये बना दिया, 15 की रेडियस लेके ये बना दिया, 15 की रेडियस लेके ये बनाया, ये 15 की रेडियस लेके बना दिया, ठीक है जी। इसके बाद इसका इंटरनल डायमीटर, यानी ये
छोटा डायमीटर, ये कितने का होगा, ये आपका जो जितना आपका डी हमने निकाला है, डी कितना मेरा 24, तो 24 का आधा कितना हुआ 12, तो 12 की रेट इस लेके हमने ये डेरिवेशन कर दिया। डेटेशमेंट क्यों बनाया है, क्योंकि जब हम लिमिट को ऊपर से देखेंगे तो उसका सिर्फ हाइट दिखाई देगा, उसकी जो इंटरनल मोटाई है वो दिखाई नहीं देगी, यानी कि इसे ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ ये हाइट ही दिखाई देगा, ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको हमने डेटेशमेंट ले लिया। अब मेरा इतना काम कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। जैसा कि मैंने बताया कि दो प्लेट लगेंगे, तो दो प्लेट की डायमेंशन का क्या होगा, वो यहां से जुड़ेगा, तो इस सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन के बीच में से एक डिस्टेंस निकाल लेंगे ये, और ये डेटेशमेंट आएगा। क्लियर? अब ये क्यों निकाली है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये प्लेट इधर से आधी इतनी है, आधी इतनी है, दो प्लेट क्यों होना है, तो जो जोड़ना है मैंने आपको बताया इस तरह जोड़ेंगे, तो ये जो लाइन थी ये लाइन जो है वो आपकी ये डेडेस लाइन है। अब इससे क्या करना है, प्लेट बनानी है, तो प्लेट मैंने कहा ये वैल्यू आपकी अनोन रहेगी, ठीक है जी। ये तो बात होगी हमारे नीचे जो दो प्लेट है, एक ये प्लेट होगी, एक ये प्लेट होगी, इन दोनों प्लेट का हमने ले लिया, एक प्लेट मेरी यहां से ये होगी, एक प्लेट मेरी यहां से होगी। अब बात करते हैं कवर प्लेट की, कवर प्लेट यहां से यहां तक की है, ठीक है, तो कवर प्लेट को कैसे बनाएंगे, कवर प्लेट को बनाने के लिए क्या है, कवर प्लेट आपकी बनेगी ये, ठीक है जी, ये आपकी कवर प्लेट हो गई। कवर प्लेट की डिस्टेंस क्या होगी, इस सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन से ये मेरी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस की 1.5 डी, यानी कि ये आपका हो गया टोटल, यहां से ये टोटल हो गया आपका 3D, ठीक है, और यहां से इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगी ये 1.5 डी होगी, ये 1.5 डी यहां तक, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस लाइन पॉइंट से ये 3D होगी, यहां से यहां तक डिस्टेंस 3D, ऐसे इधर से ये 3D होगी, ठीक है जी, ये बात समझ आ गई, ये मेरी कंप्लीट होगी टॉप व्यू का। इसमें एक चीज और रहेगी कि जब मैं इसको पेपर में ले रहा हूं, पेपर में इसमें लाइन सब आएंगी, ये मेरा इसका टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूं उसके फ्रंट व्यू की, इसके प्रोजेक्शन ले लेते हैं, सबसे पहले आपकी ये जो प्लेट्स आई थी इन प्लेट्स को ले लेते हैं, ठीक है, इसके बाद ये आपकी कवर प्लेट आ जाएगी, ठीक है जी, इसको रफली मिला दिया, इसको रफली मिला, ठीक है। अब इनकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन फिर बता देता हूं, इसकी डायमेंशन मेरी होगी टी, ठीक है, टी कितना मेरा 12, सॉरी 16, टी मेरा 16 है, तो ये डायमेंशन मेरा टी होगी, इसके ऊपर आपका ये डिस्टेंस होगी कैपिटल टी, और कैपिटल टी मैंने कितना लगा है 1.125 डी, 1.125 टी, ये सिर्फ ऊपर की प्लेट होगी, ये दो प्लेट्स आ गए। इसके बाद इस सेंटर लाइन पे इंटरनल डायमीटर कितना था मेरा 12, उसे 16, 16 से आपने 8 इधर और 8 इधर,
आठ इधर और आठ इधर, ये लाइन्स लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको करना है इसके आउट डायगोनल स्नैप का कितना लगा मैंने 1.5 डी, उसको लेके आपका एक लंबा लंबा समीकरण बनेगा आपका इस तरह से, ठीक है जी। ये इस तरह से आपको लंबा लंबा दिखाई देगा और इसमें फिर इसके अंदर एचिंग करते हैं 45 mm में, ठीक है। तो ये आपकी एक प्लेट ली होगी, मेरी एक प्लेट ली होगी जिसको को मैंने कवर प्लेट लगा दिया और इस तरह से मैंने लगा दिया सिंगल लिफ्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट, ये तो मेरा कंप्लीट हो गया इसमें। इसको अगर फिर से जब मैं डायमेंशन को आपको बताऊं, इसकी डायमेंशन मेरा होगा 5:1.5D, इसका डायमीटर होगा 5:2D, ठीक है। और इस सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन के बीच में फिर से बीच लेते रहो 700, ये आपका हो जाएगा 3D यहां से यहां तक, ठीक है। और इससे इस प्लेट की यहां से यहां तक दूरी भी हो जाएगी यहां से यहां तक 1.5D, सेम यहां से यहां तक आपकी 1.5D, ठीक है। इसके अलावा आपका कवर प्लेट की मोटाई टेम्पलेट डी होगी, कवर प्लेट की जो नीचे प्लेट आपकी वो डी होगी और इस तरह से आपको ये कंप्लीट होता है सिंगल लिफ्टेड सिंगल कवर और बट जॉइंट, ठीक है। इसके आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा डबल लिफ्टेड की डबल कवर की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।